हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एक्सबॉक्स सीरीज एस के बारे में। साथ में हम बात करेंगे PS5 के बारे में भी, लेकिन अभी हमें उसकी इंडियन प्राइस के बारे में कुछ नहीं पता कि PS5 की इंडियन प्राइस क्या होने वाली, लेकिन हमारे पास एक्सबॉक्स सीरीज एस और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स दोनों के प्राइस आ चुके हैं। इंडिया में क्या प्राइसिंग होगी, तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं और एक अपना ओपिनियन देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एक्सबॉक्स सीरीज एस में क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है। पहली बात तो आपको इसमें सेम CPU देखने को मिलता है, तो CPU के मामले में तो आपको कोई फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं इसके अंदर। लेकिन वहीं अगर आप GPU की बात करें, तो अगर आप GPU को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्सबॉक्स सीरीज एस है, पहले हम एक चीज़ कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, जो एक्सबॉक्स सीरीज एस है उसको मैं एस बोलूँगा और जो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स है उसको मैं एक्स बोलूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इतना बार बार बड़ा बोलना मतलब बार बार परेशान करेगा और आपको भी थोड़ा कन्फ्यूज़ करेगा। तो एस और एक्स रखते हैं सिंपल वे में। अगर बात करी जाए एस की, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 4 TFLOPS का GPU, लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे एक्स की, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 12 TFLOPS का GPU। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क। लेकिन वहीं बात करें जो अभी लेटेस्ट कॉन्सोल है, जो एक्सबॉक्स का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, वो है Xbox One X, जो कि अभी आपको अराउंड 42,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है, 40-42,000 रुपये के अंदर मार्केट में देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर आपको 10 TFLOPS का GPU देखने को मिलता है, लेकिन एक्सबॉक्स सीरीज एस में जो एस है हमारा, वहाँ पर आपको सिर्फ 4 TFLOPS का GPU देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि इसका 1 TFLOP पिछली जनरेशन के 1 TFLOP से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, जो कि जब नए कॉन्सोल्स आएंगे वो हमें पता चल जाएगा ये कितना पावरफुल है। यहाँ पर सिर्फ GPU का फ़र्क नहीं है, यहाँ पर आपको रैम में भी फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि जो एस है उसके अंदर आपको सिर्फ 10 GB की GDDR6 मेमोरी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप सीरीज एक्स में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 16 GB की GDDR6 मेमोरी मिलेगी। तो यहाँ पर मेमोरी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और साथ में बात करूँ तो जो एक्स है उसके अंदर आपको डिस्क देखने को मिलती है, लेकिन जो एस है सस्ता वाला, उसके अंदर आपको कोई भी डिस्क ड्राइव देखने को नहीं मिलती, तो उसमें सारे गेम डिजिटल डाउनलोड होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि परेशानी क्या है, मतलब मेन परेशानी मुझे लग क्या रही है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्राइस देखेंगे तो जो एक्स है उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो $499 है, मतलब $500 है, और जो सीरीज एस है उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो $299 है, मतलब कितना, $300 कुल। तो एक है $500 का बड़ा भाई है, $500 का छोटा भाई है, $300 का, मतलब $200 का फ़र्क पड़ता है। और आज की तारीख में $200 का फ़र्क अराउंड 15,000 रुपये का पड़ता है, मतलब $75 लेकिन उस हिसाब से बात करूँ तो $200 लमसम 15,000 रुपये पड़ेंगे। और यहाँ पर वही प्राइस की बात आ जाती है कि दोनों में 15,000 रुपये का ही फ़र्क है इंडियन प्राइस में भी, क्योंकि जो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स है वो आपको देखने को मिलता है 50,000 रुपये का। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ कि महंगा है, इंडिया में हमेशा गेमिंग कॉन्सोल्स और PC पार्ट्स महंगे मिले हैं और शायद आगे मिलते रहेंगे, लेकिन 50,000 रुपये एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ये दिमाग में था हमारे कि ये इतने का आएगा और हम इससे ठीक थे, ठीक है भाई सही प्राइस है चलो, क्योंकि सबसे पावरफुल कॉन्सोल है तो वो एक बेंचमार्क सेट करेगा बाकी कॉन्सोल्स के लिए कि उनका प्राइस क्या होगा, तो सबसे पावरफुल है तो उस हिसाब से वो सही है। लेकिन यहीं अगर आ जाते हैं एक्सबॉक्स सीरीज एस पर, जो हमारा छोटा भाई है, जो एस है हमारा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं $299। वहाँ पर अगर देखेंगे तो वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से, अपने बड़े भाई से 15,000 रुपये ही कम है, मतलब $200 ही कम है, ठीक है अगर देखा जाए। लेकिन उसकी जो प्राइस है उसके स्पेक्स के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसका प्राइस होता 25-28,000 रुपये तो बहुत अच्छी डील हो सकती थी, और हो सकता था कई लोग जो बजट में वो एक्सबॉक्स ही प्रिफर करते हैं, लेकिन उन्होंने प्राइस कर दी 35,000 रुपये। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जो बड़ा भाई है वो 50,000 का है, छोटा भाई जो है वो 35,000 रुपये का है, सही रहेगा हिसाब, मतलब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए थी अगर इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, लेकिन कॉम्पिटिटर है। यहाँ पर आपको PlayStation भी दो देखने को मिलेंगे, एक PlayStation देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपका जो PlayStation है, जो मेन PlayStation है जिसके अंदर आपको डिस्क भी देखने को मिलेगी, वो भी $500 का है, और अगर इंडिया प्राइस में कन्वर्ट करा जाए, कन्वर्ट करना छोड़ो, वो अराउंड 50,000 रुपये का ही आएगा, क्योंकि 50,000 रुपये का इस वजह से आएगा क्योंकि जो उसका कॉम्पिटिटर है सीरीज एक्स,
वो भी 50,000 रुपये का है, तो सोनी 50,000 से ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि वो 50,000 से ऊपर चली जाएगी और अपनी मार्केट ख़राब कर देगी, वो भी इंडिया के अंदर जहाँ उसको पता है कि एक्सबॉक्स बहुत कम लोग लेते हैं और ज़्यादातर लोग PS4 ही लेते हैं, मतलब PS4 नहीं प्ले स्टेशन ही लेते हैं, और वो PS5 ही लेंगे अगर उन्होंने प्राइस सही रखा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, गेम्स का जुगाड़ करते हैं, अगर मेरे दोस्त के पास है तो हम दोनों ने साथ में मिलकर ले लिया, या उसके पास है तो मैंने ले लिया, मेरे पास है तो उसने ले लिया, ऐसे यहाँ पर खेल चलता रहता है, तो उस हिसाब से सब लोग प्लेस्टेशन लेने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके दोस्तों के पास भी प्लेस्टेशन होता है। लेकिन अगर वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से अपना प्राइस बढ़ाती है तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ज़्यादा पावरफुल है, तो हर कोई वही लेगा, कोई प्लेस्टेशन 5 नहीं लेगा, तो इस हिसाब से प्लेस्टेशन 5 का भी प्राइस 50,000 रुपये होगा मेरे हिसाब से, और मैं एक साल से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जो एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन का जो प्राइस होगा नई जनरेशन का वो 50 से 55 के बीच में होगा, इससे ऊपर रख ही नहीं सकते, वरना बिकेगा ही नहीं यार, बिक ही नहीं सकता, वरना लोग पीसी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर कंसोल में वो बात रहेगी नहीं जो कम प्राइस में एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का प्राइस मार्केट के हिसाब से सही है, जो आज की मार्केट चल रही है। लेकिन वहीं आते हैं जो दूसरा वर्जन है प्लेस्टेशन का, जिसके $100 कम है, तो $100 थोड़े से हम कम करते हैं, $100 कितने हुए, 75,000 रुपये, ठीक है आज के टाइम से, क्योंकि जो प्लेस्टेशन डिजिटल एडिशन है वो है $400 का, $399, ठीक है, तो $100 कम करें तो वो कितने का आएगा, अराउंड 42,000 रुपये का, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्लेस्टेशन उसका प्राइस 42,000 रुपये रखेगा, या तो वो 45,000 रुपये की तरफ जाएगा या फिर 40,000 रुपये की तरफ जाएगा, क्योंकि एक ये थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ये जो नंबर्स हैं थोड़ा सा हिलाते हैं, क्योंकि जो 40,000 रुपये का मॉडल होगा प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन का, उसका प्राइस रखेंगे वो 39999 या 90 जो भी रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा कंज्यूमर को थोड़ा सा दिमाग में पड़ता है कि अरे ये 40,000 रुपये का नहीं है, 40,000 रुपये से कम का है, तो वो प्राइस होगा, वरना वो रखेंगे 44999 ताकि 45,000 से लोगों को थोड़ा सा कम लगे, तो ये करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 42,000 रुपये शायद कर दें, कर भी सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है या तो 40 या तो 45, इन दोनों में से एक चूज़ करेंगे, 45 उनके लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल है सोनी के लिए, क्योंकि 50 पे यार उनका दूसरा कंसोल रखा हुआ होगा, या फिर एक्सबॉक्स का भी कंसोल रखा हुआ है ना वहाँ पर, तो 45 तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि 5,000 रुपये में एक उससे बहुत अच्छा कंसोल आपको देखने को मिलेगा। 40 वो कर सकते हैं क्योंकि 10,000 रुपये का एक कंसोल में गैप आपको देखने को मिल रहा है, और परफॉर्मेंस सेम टू सेम है, सिर्फ डिजिटल डिस्क नहीं है उसके अंदर, तो वो 40,000 रुपये कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है 40,000 रुपये वो कर सकते हैं, और अगर बाय चांस सोनी ने उसको 40,000 रुपये का कर दिया मेरे भाई, तो एक्सबॉक्स सीरीज एस जो है, छोटा भाई जो है एक्सबॉक्स का, उसको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि 35,000 रुपये में आपको सीरीज एस देखने को मिल रहा है और 40,000 रुपये में आपको प्लेस्टेशन 5 पूरा मिलेगा, उसके अंदर भी डिजिटल ड्राइव नहीं है, सीरीज एस के अंदर भी डिजिटल ड्राइव नहीं है, तो वहाँ पर तो इंसान सोचेगा ही नहीं, प्लेस्टेशन ज़्यादा पावरफुल होगा, प्लेस्टेशन 5 जो डिजिटल एडिशन है वो ज़्यादा पावरफुल होगा एक्सबॉक्स सीरीज एस से, तो कोई भी मतलब कोई भी दिमाग वाला बंदा ये कहेगा यार इसमें ज़्यादा अच्छी स्पेक्स है, ऊपर से प्लेस्टेशन तो अपने एक्सक्लूसिव के लिए माना ही जाता है, तो कोई भी इंसान क्यों लेगा एक्सबॉक्स सीरीज एस, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरी प्राइसिंग करी है एक्सबॉक्स ने अपने छोटे भाई की, मुझे लगता है बहुत बुरी प्राइसिंग करी है, क्योंकि अगर वो 30,000 रुपये रखते तो हो सकता था कि लोग एक्सबॉक्स सीरीज एस लें, क्योंकि फिर डिजिटल एडिशन जो होता वो 40,000 रुपये का होता, तो उस हिसाब से फिर कोई भी डिजिटल एडिशन की तरफ जाता ही नहीं, सब लोग एक्सबॉक्स सीरीज एस ही लेते, और अगर उनको महंगा ख़रीदना होता 40,000 या उससे ऊपर का, तो वो फिर प्लेस्टेशन 5 या एक्सबॉक्स सीरीज एक्स लेते, तो प्लेस्टेशन डिजिटल एडिशन का तो कोई काम ही नहीं बचता, मतलब कोई बहुत ही कम लोग होते जो लेते, तो मुझे इस हिसाब से लगता है कि जैसे ही प्लेस्टेशन के नए प्राइस होंगे और उसने बहुत अच्छे प्राइस रखे अगर मार्केट को देख के और एक्सबॉक्स से अच्छे मतलब कम प्राइस रखे, तो ये हो सकता है कि एक्सबॉक्स सीरीज एस एक फ्लॉप हो सकता है अगर प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन के प्राइस कम रहे तो, क्योंकि वो इतना पावरफुल कंसोल लेंगे, सबसे वीक कंसोल अगर अगली जनरेशन में हमें देखने को मिल रहा है तो वो सीरीज एस ही है, और सबसे पावरफुल कोई कंसोल है तो भाई वो सीरीज एक्स है, तो उस हिसाब से अगर उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है प्लेस्टेशन 5 से तो भी लोग इतना माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, वो नेटिव 4K 120fps का वादा कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज एक्स का प्राइस सही है, प्लेस्टेशन 5 का भी प्राइस सही होगा, 50,000 या उसके अंदर ही होगा, शायद 1-2,000 रुपये कम भी कर सकते हैं सीरीज एक्स से कंपटीशन लेने के लिए। लेकिन अगर सोनी ने प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन का प्राइस 40,000 रुपये रख दिया या उससे थोड़ा सा भी कम रख दिया ना, अगर 45,000 रुपये रखते हैं तो सीरीज एस को कोई परेशानी नहीं होगी, वो मज़े से बिकेगा, क्योंकि 35,000 रुपये में और कोई कंसोल नेक्स्ट जनरेशन का होगा ही नहीं भाई,
45,000 रुपये रख दिया या 43,000 रख दिया, 43,000, 42,000 इतना आसपास रख दिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीरीज एस को कोई भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर 40,000 या उससे थोड़ा सा भी नीचे रख दिया तो लोगों को लगेगा, क्योंकि अगर उसे 3999 भी कर दिया ना, तो ये दिमाग, मतलब हमारी दिमाग ऐसा चलता है कि 399 यही सोचेगा कि 40,000 रुपये के अंदर है, तो दोनों कंसोल 40,000 रुपये के अंदर है, तो लोग प्लेस्टेशन 5 की तरफ भागते भागते जाएंगे। तो अगर सोनी सही चला तो मामला ठीक है, लेकिन अगर नहीं चला तो एक्सबॉक्स सीरीज एस को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये पूरा डिपेंड करता है अब सोनी पे कि वो एक्सबॉक्स सीरीज एस को हिट कराए या फ्लॉप करवाए, तो ये पूरा का पूरा उस पर ही है। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की प्राइस तो बहुत सही है, 50,000 रुपये बढ़िया है, लेकिन सीरीज एस बिल्कुल ही मतलब बेकार प्राइस है। 30,000 रुपये से ज़्यादा इस कंसोल की प्राइस नहीं होनी चाहिए थी। अगर प्लेस्टेशन कर देता है सही काम तो भाई ये फ्लॉप हो जाता है कंसोल, मतलब पक्का पक्का ये जो सीरीज एस है वो फ्लॉप रहने वाला है। या फिर अगर उसने कंपटीशन में अच्छा प्राइस कर दिया सोनी ने, तो इनको अपना प्राइस गिराना पड़ जाएगा, जैसे इन्होंने एक्सबॉक्स वन एस का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा दिया था जब प्लेस्टेशन स्लिम आया था, 4 स्लिम आया था, तो इन्होंने एक्सबॉक्स सीरीज एस का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा दिया था, तो वो बहुत सस्ता मिल रहा था, तो उस हिसाब से शायद ये भी गिरा सकते हैं फिर से। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है हमारे लिए अच्छा होगा। प्लेस्टेशन का तो प्राइस अच्छा रहने ही वाला है, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से ये तो पता चल गया कि जो प्लेस्टेशन 5 है वो भी 50,000 रुपये के अंदर ही आएगा, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जाएगा यार सोनी। और जैसे ही इसके प्राइस आ जाएंगे सोनी के जो कॉन्सोल्स हैं दोनों, उनके प्राइस इंडिया के आ जाएंगे, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक्सबॉक्स वन एक्स बहुत बढ़िया प्राइस है, 50,000 रुपये में बढ़िया है, लेकिन सीरीज एस जो है भाई मुझे नहीं लगता, अगर प्लेस्टेशन इसके आसपास नहीं घूमा, सीरीज एस के आसपास नहीं घूमा, तो हर कोई एस ही लेगा, मतलब कोई भी समझदार इंसान एस लेगा। लेकिन अगर प्लेस्टेशन डिजिटल एडिशन का प्राइस कम हो गया तो ये बहुत बड़ा फ्लॉप होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने बस मतलब नॉलेज वाली वीडियो तो बनाने की कोशिश नहीं करी थी, एक बात करने की कोशिश करी थी आपसे कि मेरे क्या ओपिनियन है जो नए एक्सबॉक्स आएँ। तो उम्मीद है कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। मैं फ्यूचर में भी कुछ ऐसी वीडियोज़ बना दूंगा जिसमें मैं आपसे थोड़ा सा ऐसे रब्ता कर लूँगा, ताकि जो मेरे मन की बातें हैं वो भी आपको पता चले कि मैं क्या सोचता हूँ जो ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मददगार वीडियोज़ लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।